अभी हम मौजूद हैं लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल में और यहाँ पर मई के दूसरे सप्ताह में हर वर्ष नेत्र विभाग और कैंडिडेट्स विभाग द्वारा उनकी सहयोगिता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों में होने वाले आंखों के कैंसर के बारे में जागरूक किया जाता है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संजीव जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह की बीमारी है और किस तरह से इसका रोकथाम किया जा सकता है। सर, सबसे पहले आपका मैं डॉक्टर संजीव गुप्ता, नेत्र विभाग KGMU में प्रोफेसर हूँ मैं, और मेरी विशेषज्ञता आँख के पर्दे और बच्चों के आँख के कैंसर के बारे में है। ये प्रोग्राम जो है, इसका एक मकसद है, कुछ बीमारियाँ होती हैं जिनमें लक्षण बहुत देर से पता लगते हैं, इनमें कैंसर एक प्रमुख बीमारी है और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैंसर जितना जल्दी पहचान में आएगा उतना इलाज उसका अच्छा और आसान हो जाता है और 100% क्योरिटी होती है। प्रॉब्लम तब आती है जब मरीज़ देर से पहुंचता है। होता क्या है कि रेटिनोब्लास्टोमा की कुछ खासियत हैं जिसकी वजह से इसमें मरीज़ हमारे पास अमूमन देर से आता है। इसमें सबसे प्रमुख बात है कि ये कैंसर छोटे बच्चों में होता है, 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों में, रादर इसमें 90% बच्चे होते हैं जो 3 साल की उम्र तक आते आते उन्हें कि ये बीमारी हो जाती है। छोटा बच्चा अपनी आँख की बीमारी ना वो पहचान पाता है, ना वो समझ पाता है और ना उसको व्यक्त कर पाता है कि वो माँ बाप से या किसी से बताए। इसलिए इस तरह की बीमारी में जो छुपा हुआ कैंसर है वो तब तक छुपा रहता है जब तक कि वो विकराल रूप नहीं धारण कर लेता है और उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस तरह के कैंसर में एक जागरूकता जो समाज में है, लोगों को पता हो कि उसके लक्षण क्या हैं, तभी इस तरह के कैंसर को वक्त पर पहचान के उसका इलाज और उसे लड़ा जा सकता है। सर, रेटिनोब्लास्टोमा जो आप बता रहे हैं वो क्यों होता है बच्चों में, खान पान की असुविधा की वजह से या कोई और वजह? रेटिनोब्लास्टोमा एक म्यूटेशन से होता है। म्यूटेशन मतलब सेल्स में जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें जीन्स होते हैं जो ये तय करते हैं कि हम लोगों की रूप रंग कद काठी कैसी होगी। इसी तरह से एक जीन होता है जो कैंसर वाले बनने वाले सेल को ख़त्म करता है। जब कभी म्यूटेशन से ये जीन डैमेज हो जाता है तो जो प्रोटेक्टिव केमिकल बनता है या प्रोटेक्टिव जो प्रोटीन बनता है जिससे कैंसर के सेल कंट्रोल में रहते हैं, उस केमिकल की शरीर में कमी आ जाती है। और ये म्यूटेशन कब किसको होगा, ये एक तरह से जैसे बिजली गिरती है आकाश से, कहाँ गिरेगी नहीं मालूम, इसी तरह से रेटिनोब्लास्टोमा का म्यूटेशन है। कब होगा किसी को नहीं मालूम, किसको होगा नहीं मालूम, लेकिन जो छोटे बच्चों में होगा तो उसको छोटे बच्चे में बचपन में ही उसको कैंसर हो जाएगा। तो इसकी समस्या ये है कि इसका खान पीन से, सिगरेट बीड़ू तम्बाकू से और किसी तरह के ऐप से कोई संबंध नहीं है। ये एक क्या कहें कि दैवी प्रकोप समझ सकते हैं कि किसको होना है वह उसको हो जाएगा। सर, क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक जेनेटिकल बीमारी है? कुछ हद तक रेटिनोब्लास्टोमा जेनेटिकल होता है, कुछ माँ बाप में लगभग 10-20% में देखा गया है कि जेनेटिकल हो सकता है, मतलब माँ बाप अगर पीड़ित हैं तो बच्चों में भी आ जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में माँ बाप में कोई सिम्टम नहीं होते। सो इट इज़ लाइक कभी कभी दिखता है कि माँ बाप से बच्चों में आया है, वरना ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं उनके माँ बाप बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। तो म्यूटेशन है, कब हो जाएगा नहीं कह सकते। सर, किस तरह के एहतियात को बरतने की ज़रूरत है? देखिए, रेटिनोब्लास्टोमा का रोकने का तो कोई तरीका नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि आकाश की बिजली कहाँ गिरेगी नहीं मालूम, इसी तरह से म्यूटेशन कब होगा इसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन हाँ, जैसा कि हम लोग ये अवेयरनेस वीक मनाते हैं, उसका मकसद ही है कि कैंसर जितना जल्दी पहचान में आ जाएगा उसका इलाज उतना ही अच्छा होगा, रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो अवेयरनेस इस बात की कि हम लोग कैंसर को जल्दी पहचान पाएँ। मैं इसमें कैंसर के जो लक्षण हैं वो ज़रूर बताऊँगा और इन लक्षणों में बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो अगर ध्यान दी जाएँ तो आप पता लग जाएगा कि बच्चे को ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे हम लोग जब अंधेरे में फ़ोटो खींचते हैं मोबाइल फ्लैश के साथ तो देखा होगा कि आँख में एक चमक आ जाती है, ये चमक अमूमन लाल रंग की होती है तो इसलिए उसको कहते भी हैं रेड आई। तो जब इस रेड आई की जगह आप फोटो खींचें और उसमें देखें कि रेड की जगह वाइट आई आ रही है, बच्चे में वाइट रिफ्लेक्स आ रहा है, सफ़ेदी झलक रही है, ये केवल फोटो में आएगी शुरू में, बाद में जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो ये भी दिखता है कि हर समय वो चमक दिखती है, वो बच्चे की आँख की पुतली चमकती ही रहती है। ये वो लक्षण है जो बता रहे हैं कि आँख में कैंसर है और वो लगभग पूरे पर्दे में फैल गया है। इससे पहले जो लक्षण आता है वो अमूमन होता है तिरछेपन का, स्क्विंट। स्क्विंट अगर किसी को हो रहा है छोटे बच्चे में
तो इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। चश्मे की जांच, पर्दे की जांच, ये वक्त पे हो जाएगी तो छोटा कैंसर जो इतना छोटा होगा कि उसको जला के आँख, रोशनी, जान सब कुछ बचाया जा सकता है, ये वो लक्षण है जब बिल्कुल तिरछापन शुरू होगा। अगर उसके बाद आँख में कैंसर आ गया है और आँख में सफ़ेदी झलकने लगी है तो ये बता रहा है कि अब ये कैंसर आँख में भर गया है और अब रोशनी नहीं है इस आँख में और इलाज से रोशनी नहीं आती, तब ऐसी स्थिति में हम लोग आँख को शरीर से अलग निकाल देते हैं जिससे कि कैंसर पूरी तरह से शरीर से बाहर आ जाए और बच्चा ठीक हो जाए। अगर इसमें और देर होती है तो फिर आँख में तकलीफ शुरू हो जाती है, लाली, दर्द, आँख का साइज बढ़ना, और कभी कभी जब ये कैंसर आँख के बाहर आ जाएगा तो आँख के बाहर मांस उभर आता है और इसी तरह से जो जितना हिस्सा आगे बढ़ता है उसी तरह से आँख की नस के द्वारा वो कैंसर पीछे दिमाग में जाता है और वो ये स्थिति होती है जिसमें फिर जान बचाना नामुमकिन है। तो ये जो विभिन्न स्टेजेस हैं इस बीमारी की, उसमें अगर हम लोग अर्ली स्टेज में पहचान लेते हैं तो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। सर, अर्ली स्टेज में पहचान लेने की बात बार बार कही जा रही है। 3 साल से 5 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, वो ये बताने में भी शायद असमर्थ है कि मेरी आंखों में क्या दिक्कत हो रही है, या उनके माता पिता भी बार बार जा कर के उनकी फ़ोटो खींच के इस चीज़ को नहीं देख सकते कि उनकी आंखों में वाइट है या रेड है, क्या किया जाए? देखिए, एक तो ये किया जाए कि छोटे बच्चों की जब स्कूल जाना शुरू करें तो एक प्राथमिक जांच नेत्र विशेषज्ञ से करा लें, फिर बाकी जिम्मेदारी उसकी है, वो उसे तय करना है कि इसमें हम लोग बच्चे में अगर कोई ऐसा लक्षण दिखता है तो नेत्र विशेषज्ञ ज़रूर ध्यान देगा। और बाकी जैसा मैंने बताया, छोटे बच्चे में आँख में तिरछापन अगर लगे, माँ को सबसे पहले पता लग जाएगा क्योंकि माँ सबसे ज़्यादा वक्त गुजारती है बच्चे के साथ, कोई भी कमी शरीर में होगी उसे पहचान में आएगी। या तिरछापन के अलावा अगर छोटे बच्चे में लग रहा है कि आँख की पुतली में सफ़ेदी दिख रही है, ये दो लक्षण हैं जिसमें अगर मरीज मेरे पास आ जाता है तो हम उसको आँख के साथ साथ जान तो बची जाएगी, कोशिश ये रहती है कि आँख भी बचा लें। सर, लगभग कितने परसेंट केसेस आपके पास आते हैं? अब हम लोग अगर सोचें तो लगभग साल भर में 40 के आसपास इस तरह के नए मरीज आ जाते हैं, और जो पुराने मरीजों की संख्या बनी रहती है क्योंकि ये कैंसर जैसा है बार बार इलाज होता है, बार बार मरीज को दिखाने आना पड़ता है, तो प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, लेकिन अमूमन हम लोग साल में लगभग 40 मरीज देखते होंगे रेटिनोब्लास्टोमा के। सर, हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि मतलब कई सारे मरीज इनमें से ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ बाद में पता चलती है कि उनको ऐसी बीमारी है, उनके माता पिता को, तो उसके उस टाइम पर सिर्फ एक ही इलाज होता है कि उनकी आँखों को बाहर निकाल दिया। हाँ, अगर आँख में प्रभावित है तो आँख निकालना सबसे सुरक्षित और सबसे असरदार इलाज है। इसमें कई बार मरीज और उसके घर वाले इस बात को लेके व्यथित होते हैं कि बच्चे की आँख निकाल देंगे, तो उसमें व्यथित होने की जो बात है वो एक्चुअली उनकी एक झूठी धारणा है क्योंकि उस आँख में तो रोशनी है ही नहीं, तो उस आँख से बच्चे को दिख ही नहीं रहा है, उल्टा उस आँख में कैंसर होने की वजह से बच्चे को जान का खतरा है। तो ये भ्रम बहुत ज़रूरी है जल्दी से जल्दी दूर होना कि जब कैंसर पता लगे उसका जो भी उस स्टेज पर इलाज होता है उसको तुरंत कराएँ। उससे जो फ़ायदा होगा वो ये कि बच्चा एक तरह से आँख खो देगा, थोड़ी विकलांगता आएगी लेकिन वो जिएगा। और देखिए, इस तरह के बच्चों में किसी तरह की और कमी नहीं होती, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल सक्षम होते हैं, वो सब काम कर पाएंगे, जीवन बिल्कुल नॉर्मल जी पाते हैं, लेकिन बस इसके लिए ज़रूरी है कि उनको उस कैंसर से मुक्त होने के लिए एक मौका मिले, और उसमें परिवार का ही योगदान है क्योंकि छोटा बच्चा अपना इलाज में कोई कुछ नहीं कर सकता, वो डिपेंडेंट है पूरी तरह से परिवार पे, तो परिवार वालों को ही सोचना पड़ेगा कि अगर बच्चा हमारा बच जाएगा तो ये नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल, दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से पूरा सक्षम होगा, सब काम करेगा। सर, क्या कोविड के बाद केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है? क्योंकि कोविड के टाइम पे ऐसा कहा जा रहा था कि ब्लैक फंगस आ रहा है या फिर इतने सारे फंगस आ रहे हैं तो उनसे डायरेक्टली आँखों पर ही इफेक्ट नहीं, राधर रेटिनोब्लास्टोमा में प्रॉब्लम दूसरी है। ब्लैक फंगस ऐसा है जिसमें मरीज देखेगा तो वह डॉक्टर को संपर्क करता है। कोविड से हमारे यहाँ जो केसेस जिनको आना चाहिए था टाइम पे दिखाने, उनके आने में देरी हो गई क्योंकि अस्पताल में कुछ बंधन थे, अस्पताल में दूसरे मरीजों को नहीं देखा जा रहा था, तो इस तरह से हमारे मरीज पिछड़ गए इलाज में। ऑल्दो उसमें से अभी तक मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मरीज नहीं है जो इस देरी के कारण, जिसमें जो हमारे इलाज में था और देर हो गई तो उससे उसकी जान को खतरा आया हो, लेकिन पूरा शेड्यूल जो है वो बिगड़ जाता है क्योंकि हम लोग एक डेट देके मरीज को भेजते हैं कि इस तारीख को आना है और इस तारीख को ये काम होना है आपका, तो उस प्रक्रिया में रुकावट आई कोविड में, बाकी मरीजों की संख्या में ना कोई बढ़ोतरी ना कोई कमी आई है।
सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप माता पिता के, बच्चों के माता पिता को ये क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द इस बीमारी को पहचाने और अपने बच्चों को बचाएं? बिल्कुल, मैं पूरा मकसद इस पूरे प्रोग्राम का, और मैं इसमें आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि मीडिया के जरिए जो जागरण हम लोग इस छोटे से मंच से पहुंचाना चाहते हैं, ये आप ही लोगों के माध्यम से पहुंच सकता है कि बच्चे की आँख में अगर तिरछापन है, और ये खतरा 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों में होता है, पैदाइश से ले कर 5 साल, मतलब ये नहीं कि छोटा बच्चा अगर पैदा हुआ है तो उसको रेटिनोब्लास्टोमा नहीं होगा, पैदा होते समय भी रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है। तो 2 लक्षण हैं जिनका बहुत ख्याल रखना है। अगर आँख में किसी भी तरह का स्क्विंट है, तिरछापन है, भहंगापन है आँख में छोटे बच्चे के, और दूसरा अगर आँख में पुतली में सफ़ेदी आती है, ये 2 लक्षण बस इनको याद रखें, और अगर जैसे ही ये दिखें बच्चे में तुरंत कोशिश करें कि डॉक्टर के पास जाएं। बाकी तो मैं ये कहूँगा कि अगर छोटा बच्चा है, स्कूल जाने लायक हुआ है, तो एक चश्मे की जांच इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे को क्लास में टीचर शिकायत करता है कि बच्चा ध्यान नहीं देता, पढ़ता नहीं है। समस्या दूसरी है, समस्या ये कि उसको दिख नहीं रहा है साहब। तो ये प्रक्रिया स्कूल जाने वाली उम्र में करा लेनी चाहिए, और उससे अपने आप रेटिनोब्लास्टोमा पकड़ में आ जाएगा। बाकी मैंने दो लक्षण बताए, ये अर्ली हैं। अगर बच्चे का आँख में लाली, दर्द, आंसू, बच्चे को तकलीफ है, शारीरिक कष्ट इतना है कि वो अपना सारा काम रोकना पड़ रहा है, तो ये सब और लक्षण है एडवांस डिजीज के, जहाँ तक मैं नहीं चाहूँगा कि मरीज पहुँचे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये हमने सुना डॉक्टर संजीव गुप्ता जी को, जो कि आँखों के विशेषज्ञ हैं। उनका कहना ये है कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो देखने की क्षमता होती है, और अगर वो कम हो रही है, आँखें उनकी तिरछी हो रही हैं, तो माता पिता को पहचान जाना चाहिए और उनको एक बार ज़रूर इस चीज़ का जाँच करवाना चाहिए कि बच्चों में कहीं किसी तरह की बीमारी तो नहीं पनप रही है, और वो कहीं लक्षण कैंसर के तो नहीं है। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।